Priyanka Tauri, student of BTech Food Technology, passionate for cooking and a big foodie. So, welcome to Monica's Cooking Station. तो हमारे सीरीज की आज की रेसिपी है पत्ता गोभी का बेसन. तो चलिए बनाते हैं. तो पत्ता गोभी का बेसन बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन गरम करके उसमें तेल डाल देंगे और फिर डाल देंगे एक चम्मच राई और एक चम्मच जीरा. राई और जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे और फिर हम उसमें डाल देंगे करी पत्ता. करी पत्ते को मैंने बारीक काट कर डाला है, आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं. फिर डाल दूँगी दो लाल मिर्च सूखी हुई, आप चाहे तो हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं. फिर तुरंत ही हम डाल देंगे गोभी, किसी हुई गोभी. आप चाहे तो गोभी को काट कर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने उसे पीस कर लिया है. अभी हमें गोभी को थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और हमने इसे अच्छे से बारीक पीस कर लिया है तो इसे बहुत टाइम भी नहीं लगेगा पकने में, बहुत जल्दी ये पक जाएगी. और बस हमें इसे थोड़ा पकाना है, करीब 3-4 मिनट तक. तो अभी बारी है हमारे गोभी में नमक डालने की. तो मैं करीब 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल दूँगी, आप आपके स्वाद अनुसार क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं. और बस हम इसे नमक के साथ भी एक बार अच्छे से मिला लेंगे. पत्ता गोभी का बेसन बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमारे टमाटर का बेसन था, कोई भी ज्यादा डिफरेंस है नहीं और बहुत अच्छे से बहुत इजीली बन जाता है. अभी बारी है बेसन की. तो अभी हम 1.5 कप बेसन डालने वाले. तो सबसे पहले मैं 1 कप डाल दूंगी और 1/2 कप थोड़ी देर बाद डालूंगी. और हमें बेसन को और गोभी को एक साथ में एकदम अच्छे से भूनना है जब तक कि हमारे बेसन का कच्चापन निकल ना जाए, क्योंकि अगर बेसन कच्चा रह गया तो आपकी पूरी सब्जी भी कच्ची लगेगी. इसलिए हम उसे अच्छे से भूनेंगे जब तक वो थोड़ा सा ब्राउनिश ना हो जाए. देखिए अभी हमारा बेसन काफ़ी अच्छे से भुना है. अभी मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर. और हल्दी और लाल मिर्च पाउडर के साथ में फिर से हम बेसन और गोभी को अच्छे से मिला लेंगे. जनरली पत्ता गोभी ऐसे खाना बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, बहुत लोगों को पत्ता गोभी की सब्जी भी पसंद नहीं आती है, लेकिन ये जो बेसन हम बना रहे हैं ना बहुत टेस्टी लगता है. और पत्ता गोभी को अगर आपको खिलाना है तो ये बेस्ट वे है, पत्ता गोभी का बेसन बनाकर आप उसे रोटी के साथ खिलाइए, बहुत टेस्टी लगेगा. और आप चाहे तो एक्चुअली ये पत्ता गोभी का जो हमने बेसन बनाया है उसको स्टफ करके उसके पराठे भी बन सकते हैं. अगर आप चाहे तो ये ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर आपने ट्राई किए हैं तो. और ट्राई किए हैं तो फोटोज मेल करके मेरे साथ में जरूर शेयर कीजिए, मैं अपने चैनल पे आपके फोटोज जरूर पोस्ट करूंगी. बस अभी बारी है इसमें पानी डालने की. बहुत ज़्यादा नहीं, हम इसे हाथ से छिड़क कर पानी डालेंगे इसमें ताकि बहुत ज़्यादा पानी ना गिर जाए. बस ऐसे 2 बार हमें पानी छिड़कना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है. और हम फिर से बेसन को अच्छे से भून लेंगे. इस टाइम पे आपको अच्छे से मैश करते हुए बेसन को भूनना है ताकि वो पैन में अच्छे से लगे और वो क्रिस्प थोड़ा सा पक जाए. लेकिन पैन की यानी गैस की जो फ्लेम है वो एकदम लो रहनी चाहिए. लो फ्लेम पे हम उसे अच्छे से भूनेंगे जब तक उसका कच्चापन पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए. देखिए हमारा बेसन लगभग अच्छे से भूनकर रेडी है और वो बहुत खुला खुला भी हो चुका है अभी. हमारे बेसन की रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है. गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए और आप बेसन को रोटी या फुलके के साथ सर्व कर सकते हैं. पत्ता गोभी का बेसन बनाते वक्त हमें जो पत्ता गोभी है उसे हमने किस कर लिया है, आप चाहे तो उसे काट कर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने किस कर इसलिए लिया है कि जल्दी से पक जाएगा और बेसन में उसके बहुत बड़े बड़े बाइट्स नहीं आएंगे. जो पतले पतले जो हमने किस कर लिया है उसके वजह से जो बाइट्स आएंगे ना वो बेसन के साथ भूनकर बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने उसे किस कर लिया है. अगर आप किस कर नहीं ले रहे हैं तो आप उसे बारीक बारीक काट कर भी ले सकते हैं. वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.